सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू यू ऑल जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको उस हिसाब से बहुत सारी विशेष आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ऑल्ट कॉइन की जो हो सकता है मैटिकलर फॉर द नेक्स्ट बोल रॉन मैटिकलर का मतलब ये नहीं है कि मैटिक को मार देगा बट ये आपको हो सकता है कि मैटिक्स से ज्यादा गेंद दे तो इसका क्या एनालिसिस है क्यों मैं ये बोल रहा हूँ और टेक्निकल लेवल्स क्या है जहाँ आपको इस कॉइन पर ध्यान देना चाहिए ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बट आई होप मेरी रिसर्च आपके काम आएगी और काम आएगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दो टाइप के लोगों के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट एक जो लोग मेरी वॉइस क्वालिटी से परेशान थे भाई मैंने नया माइक ले लिया तो तुम भी लाइक कर देना एक जो लोग मेरे लॉन्ग वीडियो से परेशान थे तो भाई वीडियो बनाओ छोटी तो परेशान मत होना तो चालू करते हैं आज के वीडियो को उससे पहले दोबारा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ भाई कि नीचे सारे लिंक मैंने दे रखे हैं ट्विटर का अपना टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हो यार कम्युनिटी uh, में ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जुड़ोगे तो हम ग्रो करेंगे साथ में और यहाँ पे अगर आप जाओगे मेरे ट्विटर हैंडल पे अगर आप देखते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में तो एक वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा ट्विटर हैंडल के नीचे वो आज की बिटकॉइन अपडेट है रोज मैं यहाँ पे बिटकॉइन अपडेट देता हूँ और आपको लेवल्स बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो पहले कॉइन की आज ये वीडियो देख लो फिर भाई बिटकॉइन पर पूरा ध्यान देना यहाँ पर मैंने बता दिया कि कहाँ पे आपको बुलिश होना चाहिए कहाँ पर बेरिश होना चाहिए क्या मूव हमें आने वाले दिनों में मिलेगा और क्या बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है तो वीडियो आप देखोगे तो काफी सारी आपको हेल्प मिलेगी थ्रू टेक्निकल इंडिकेटर्स तो रूट तो कि लेवल है जहां पर आप बहुत ज्यादा फेर में हो, जहां पे हो प्री, -हाविंग एरिया है। और प्री हाविंग एरिया ही बेस्ट टाइम होता है, रेंज है। यहां पर अगर आप अपने फेवरेट ऑल्ड विद रिस्क मैनेजमेंट अकूमिलट करते तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं Uh, हम देख सकते हैं 2019 में यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो 2019 में मार्केट में आई और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की गेन इसने लोगों को दिए हैं अगर आप बॉटम से ऑल टाइम हाई तक देखोगे तो कई समवेयर अराउंड इलेवन एक्स का गेन है अगर आपने उस टाइम पर लाखों की बात तो नहीं करूंगा दोस्त अगर आ, दस हज़ार रुपये की बात करें तो दस हज़ार रुपये से भी काफ़ी पैसे बन गए थे कितने बन गए थे वो आप थंबनेल में देख चुके हो तो अब यहाँ पे हम नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं नए कॉइन ढूंढ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ ऑप्टिमिज्म की ऑप्टिमिज्म में पास में भी बहुत बुलिस था ये वीडियो यहीं बंद करके अगर ऑप्टिमिज्म ले लिया तो पक्का पक्का नुकसान खाओगे क्रिप्टो में पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे में नुकसान खाने में ज्यादा चांसेस होते हैं तो पूरी वीडियो देखना यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा तो शायद आपका कुछ अनालसिसिस बेटर हो जाए और दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टोकन अनलॉक टोकन अनलॉक के बारे में काफ़ी सारे लोग बात करते हैं और बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं टोकन अनलॉक से तो यहाँ मार्केट कैप है वन बिलियन डॉलर तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये बात आती होगी कि पॉलीगॉन तो सौ मिलियन डॉलर पर था ये वन बिलियनियनियनियनियन डॉलर है भाई हमारी मार्केट भी मैच्योर हो गई है दो से दो में काफ़ी फर्क आ गया ऑब्वियसली जब हम उस टाइम पे देखें तो सौ मिलियन भी बहुत बड़ी मार्केट होती थी मार्केट कैप होती थी आज की डेट में एक बिलियन भी नॉर्मली है ठीक है तो ऑप्टिमिज्म की अगर बात करें तो ऑप्टिमिज्म ऐसा क्या खास कर रहा है ऑप्टिमिज्म एक लेयर टू ब्लॉकचेन है जो इथियम स्केलिंग के लिए काम कर रहा है जैसे आर्बिट्रम कर रहा है जैसे मैटिक कर रहा है बट मैं ऑप्टिमिज्म पर क्यों बुल्शू मैं आपको ही बताना चाहता हूँ तो ऑप्टिमिज्म का एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है वो है सुपर चेन सुपर चेन का फायदा क्या है जैसे कोई डैप है ठीक है डिसेंटलाइज एप्लीकेशन है अब वो पहले क्या होता था वो जितनी भी वॉल्यूम आती थी उसमें ईथ की ईथ की गैस फीस लगती थी तो वहाँ पे अब यहाँ पे आप बेसिकली ऐप यूजर्स को बहुत ऐप डेवलपर्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है वो अपनी सुपर चेन बना सकते हैं ऑप्टिमिज्म के स्टैक को यूज़ करके और वहाँ पे होगा क्या जो उनकी सुपर चेन है जो एक लेयर थ्री बोल सकते हैं हम लेयर थ्री पे जो उनको रेवेन्यू आ रहा है वो उनका होगा जो गैस फीस जनरेट हो रही है वो उनको भी मिलेगा तो यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने जैसे कि ओ पी बी एन बी बी एन बी चेन है काफ़ी पुरानी लेयर ऑन ब्लॉक चेन है सो ले काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी है और इन्होंने अपनी लेयर टू ब्लॉकचेन यूज़ निकाल दिए यूजिंग ओ पी ऑप्टिमिज्म सो इट इज़ अ गुड डील अगर आप जाएंगे डीफाइल लागू पर तो ऑप्टिमिज्म के बारे में मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है यहाँ पे हम देख रहे हैं फीस एंड रेवेन्यू किसी भी प्रोजेक्ट को आपको देखना है तो वो देखो आपकी कमाई कितनी हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द डेटा फॉर अगस्त सेवनटीन्थ तो आज की आज की तो नहीं है डेटा दो तीन दिन पहले का है तो यहाँ पर एटी सिक्स थाउजेंड डॉलर्स की फीस जनरेट हुई ठीक है ना यहाँ पे देख लेते हैं दिस दिस वन और कमाई जो हुई ऑप्टिमिज्म को चौबीस हजार डॉलर की हुई एक दिन में सो so गुड बहुत ज्यादा तो नहीं है बट सही है फिर भी अच्छा रेवेन्यू यहाँ जनरेट कर रहा है मतलब कमाई में जा रही है कंपनी तो फिर भी ठीक है और उसके बाद आप देखोगे अगर तो अभी रिसेंटली बेस्ड ब्लॉक जो कि कॉइन बेस की लेयर टू ब्लॉक है जो कि एक सुपर चेन है बिल्ट ऑन ओपी स्टैक यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे ओपी पे ये बिल्ट है और वो यहाँ पे बेस ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है ठीक है तो पर यहाँ पे एक ऐप है फ्रेंड डॉट टेक तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्निंग सबसे ज़्यादा फीस इन्होंने जनरेट करी है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स दैट इज़ वन पॉइंट फोर टू मिलियन तो बेस के बारे में और इस इस इस, इस सर्विस के बारे में इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कल बात करने वाला हूँ यहाँ एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप हो सकता है यहाँ पैसे भी अच्छे कमा सकते हो बट अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको इस पर कर लूँगा तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ऑप्टिमिज्म की और हमने देखा कि बेस और बी एन बी यानी कि कॉइन बेस और बाइनेंस जैसी बड़े ब्रांड्स मतलब जो बड़ी कंपनी हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने ऑप्टिमिज्म को यूज़ करके यहाँ पे बिल्ड की है अपनी सुपर चेन तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है बेस का इकोसिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है ग्रो तो यहाँ पे हो सकता है कि बेस को देख के और बी ओ पी बी एन बी को देख के और भी ब्रांड्स इंटरेस्टेड हो जाए अपनी चेन निकालने में ऑब्वियसली बिकॉज अगर आपके डैप पे मैं बोलूँगा आपकी डिसेंटलाइज एप्लीकेशन पे अगर आप एक डेवलपर हो और वहाँ पे आपको मौका मिले गैस फीस में पैसे कमाने का तो आप क्यों छोड़ोगे तो? और ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म की एक चीज जो बहुत लोगों कंसर्न करती है जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारे क्वाइंस के लिए दोस्त कि सर इसकी जो सप्लाई है ना वो सिर्फ सेवेंटीन अनलॉकड है और 26 सिक्स परसेंट लॉकड है और यहाँ पे अनट्रैक्ट सप्लाई 57 सेवन परसेंट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने वाला है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि प्राइस बढ़ेगा ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बुलाया तो इसके लिए दोस्त अपकमिंग इवेंट जो है वो आठ दिन बीस घंटे बाद है तीस अगस्त को कितनी सप्लाई आ रही है मार्केट में थ्री सर्कुलेटिंग सप्लाई थर्टी मिलियन की सप्लाई अनलॉक हो रही है तो लोगों का ये मानना है कि जब सप्लाई अनलॉक होती है तो प्राइस गिरता है बट आपको मैं अगर हिस्ट्री दिखाऊँ एक टोकन की जो कि एक बेसिक गेमिंग टोकन था ए एक्स ने बहुत ज़बरदस्त गेंद दी अगर आप देखोगे तो अभी भी Uh, जो अनलॉक सप्लाई है वो 74% परसेंट है आज भी इतने साल बाद भी दो तीन साल हो गए एंड 24 परसेंट सप्लाई लॉक्ड है तो जब एक स्टार्टिंग में मार्केट में आता तो 74% परसेंट सप्लाई अनलॉक नहीं थी दैट इज वेरी ऑब्वियस और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बावजूद भी ए एक्स एस ने काफ़ी लाइफ चेंजिंग गेंस दिए यहाँ पे अगर आप एक्स एस का इनिशियल प्राइस देखोगे तो थर्टीन सेंट था एंड यहाँ पे जो प्राइस आप देख रहे हो दोस्त वो समवेयर अराउंड वन फिफ्टी वन फिफ्टी नाइन डॉलर पहुँच गया थाउजेंड एक्स का गेन होता है ये तो इन चीज़ों को आप ध्यान दो ऑबियसली अपनी रिसर्च में ऐड करो बट इसके अकॉर्डिंग आप बायस नहीं बना सकते अपना ये जो टाइम है बिटकॉइन हाविंग से पहले का आई थिंक ये टाइम है बिलीव रखने का अगर आप पास्ट दो सालों से क्रिप्टो uh, में जुड़े हुए हो और अब आपको डर लग रहा है तो अब डरने का टाइम नहीं है भाई अब टाइम है एक्शन लेने का और मैंने आपको समझा दिया है दोस्त कि यहाँ पे टोकन अनलॉक पे इतना आपको फोकस नहीं करना फंडामेंटल्स की हमने बात कर ली है ठीक है ओपी की बात करें तो ओ पी का जो इकोसिस्टम है काफी अच्छा ग्रो हो रहा है मैटिक वाइब्स मुझे दे रहा है बट यहाँ पे हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ पे तो ओवर कॉन्फिडेंट ना होने के लिए हम चलेंगे चार्ट पे चार्ट पे काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे एक पैटर्न था जिसको ऑप्टिमिज्म फॉलो कर रहा था यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन को ऑप्टिमिज्म ने तीन बार तोड़ने की कोशिश करी नहीं थोड़ा चौथी बार में थोड़ा बट हम यहाँ ही कंसॉलिडेट कर रहे हैं इसके ऊपर आ रहे हैं स्टे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा कुछ इंडिकेटर्स को और देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ क्या ओपी में आप मूव देख सकते हो और कहाँ पर आपको ओपी की बाइंग करनी चाहिए विद कन्विक्शन कन्विक्शन कैसे आएगी अपनी रिसर्च करके अगर आप स्पून फीडिंग चाहते हो अगर आप ये देखना चाहते हो कि सिर्फ एक कॉइन बता दे कोई बंदा मैं उसमें पैसे लगा पैसे कमा दू तो ऐसा नहीं होगा भाई क्रिप्टो में आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा काम आती है अगर ये चार्ट समझ नहीं आ रहा है तो रिलैक्स करो कोई दिक्कत नहीं है मैं सब समझा दूंगा आपको ठीक है तो यहां पे एक प्राइस रेंज है जो मैं आपको दिखा देता हूं एंड दिस इज द प्राइस दिस इज द वाइट लाइन जो आपको दिख रही है 1.49 की दिस इज द ब्रेकआउट एरिया इसके ऊपर डेली में ओपी क्लोजिंग करता है दिस इज दिस वाइट लाइन ये जो आप देख रहे हो ये जो एक करवी व्हाइट लाइन आ रही है दिस ई एम एट तो ये जो येलो लाइन है ई एम ए थर्टी फोर है शॉर्ट टर्म ट्रेंड मिड टर्म ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड की ई एम ए ऊपर जाएगी ई एम थर्टी फोर के ऊपर तो बुलिश रहेगा वरना भाई अगर सिर्फ प्राइस जाके आता है और ये रिजेक्ट होता था तो हो सकता है हम एक लोअर हाई बना के नीचे की तरफ चले जाए नीचे की तरफ कहाँ ऑपर्चुनिटी है ऑप्टिमिज्म में यहाँ पहली बात तो ऑप्टिमिज्म के ऑर्डर मेरे नहीं लगे क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा ऑप्टिमिज्म में इसी रेंज में पहले खरीद चुका हूँ बिकॉज आई एम बुलिश अब मेरा आगे का क्या प्लान है अगर आपके पास ऑप्टिमिज्म नहीं है तो वॉट यू कैन डू इज़ मैं आपको दिखा देता हूँ बता देता हूँ तो आप एस टू तक ये जो एस टू है ये जो सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट जीरो एट टू का ठीक है तो अगर आपको ऑप्टिमिज्म लेना है आपके पोर्टफोलियो में नहीं है वॉट यू कैन डू इज पहले तो आप अपनी रिसर्च करें ऑब्वियसली फंडामेंटल पहले सीखो उसके बाद टेक्निकल uh, एनालिसिस पे फोकस करो अब यहाँ तक अगर ऑप्टिमिज्म जाता है तो 44 परसेंट नीचे चले जाएगा काफ़ी सारे लोगों का गोल यहीं खरीदना है काफी सारे लोगों का गोल यहीं खरीदना दोनों ही गलत हो सकते हैं कैसे गलत हो सकते हैं रिस्क मैनेज करके चलो पोजीशन मैनेज करके चलो यहाँ पे अगर आपको बाय करने का मन है तो पूरी कैपिटल कभी भी इकट्ठी नहीं लगाते हैं और डिप जो होती है वो डिप ऐसे नहीं बाय होती कि दस दस परसेंट बाय कर रहा हो आप डी कर रहा हूँ वहाँ पर आप फंस जाओगे ठीक है फंडामेंटल सही है सब सही है बट यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना है और मैक्स बुलिश जो मैक्सिमम बुलिश जो टारगेट रहेगा ऑप्टिमिज्म के लिए वो इसके ऊपर रहेगा ई एम के ऊपर जब ई एम और ई एम ए थर्टी फोर के ऊपर चली जाएगी लास्ट टाइम हमने कब देखा था ऐसा लास्ट टाइम हमने यहाँ देखा था देखो किस तरीके का पंप था जब ऐसा हुआ था इस सैनैरियो को जब हमने देखा था जब ऐसा हुआ था तो यहाँ पे इस तरीके का पंप था जो कि 255 परसेंट का पंप था 255 परसेंट के पंप के लिए आप यहाँ आओ अगर आपकी कैपिटल बहुत बड़ी है अच्छी कैपिटल से आप काम कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस रखो प्रॉफिट बुकिंग करके भी आप थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म आप, सिक्योर कर लोगे फॉर द नेक्स्ट बोल रहा हूँ तो सही रहेगा और पहली बात यह है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन या इथीरियम नहीं है तो और आप सिर्फ ऑल्ट्स की बात कर रहे हो सिर्फ ऑल्ट्स करी तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा बिटकॉइन को रखो आगे जाके उसको आप फ्लिप कर सकते हो नए ऑल्ट्स में तो यहाँ पर आप अगर नया एंट्री बनाना चाहते हो ऑप्टिमिज्म में तो फिफ्टी जो आपका ऑर्डर है फिफ्टी परसेंट जो आपकी कैपिटल है आप स्प्रेड कर सकते हो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ फिफ्टी परसेंट कहाँ तक स्प्रेड कर सकते हो यहाँ तक एस टू तक विच इज़ पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट जीरो एट टू काफी अच्छा प्राइस रहेगा मिले ना मिले आई डोंट नो बट मैं यहाँ बाइंग कर चुका हूँ ठीक है तो आपको यहाँ से यहाँ तक के स्प्रेड में फोर्टी परसेंट के गेन में चार ऑर्डर तीन ऑर्डर लगा के अपनी फिफ्टी परसेंट कपिटल ऐसे डिप्लॉय करनी चाहिए ऑब्वियसली रिसर्च तो करनी पड़ेगी दोस्त क्योंकि अगर आपको कन्विक्शन नहीं है ना किसी चीज़ में अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ किसी चीज के बारे में और उसमें पैसा लगा रहे तो फिर डिप आएगा तो आप डर जाओगे और चीज़ को बेच दोगे तो यहाँ पर मैंने बहुत क्लियर कर दी चीज़ें आपके लिए और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है स्टोकेस्टिक मोमेंटम स्टोकेस्टिक मोमेंटम ऑफ साइड पर है ठीक है स्टोकेस्टिक मोमेंटम अपसाइड पे है हम ज्यादातर कभी कभी ये देखते हैं कि स्टोकेस्टिक मोमेंटम अपसाइड पे जा रहा है तो प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए जैसा हमने देखा दोस्त मैं दिखाता हूं यहाँ पे यहाँ पे हमने देखा स्टोकैटिक मोमेंटम ऊपर गया जब यहाँ ए टी सी रेंज में तो जबरदस्त जबरदस्त पंप्स हमें देखने को मिले ऑप्टिमिज्म में फिर नीचे आया फिर जब ऊपर गई तो कंटिन्यू हुआ पंप राइट तो ये पंप कंटिन्यू होने के लिए जब आपने यहाँ पे देखा जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो वॉलिटिलिटी भी ऊपर जा रही थी दिस इंडिकेटर इज वॉलिटी और ये हमारा सेटअप है जो मैं अपने प्रो चैनल में देता हूं सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ और काफी सारे सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं सीख के अगर आप स्पून फीडिंग के आदि हो अगर आपको सिर्फ कोई कॉल चैनल ज्वाइन करना है देन माय चैनल इज नॉट द प्लेस टू बी बट आप सीखना चाहते हो ग्रो करना चाहते हो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्रोचान नीचे आपको डिटेल मिल जाएगी टेलीग्राम में भी डिपेंडेंट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहां पर इस मूव में हमें वॉलिटिलिटी नहीं मिल रही है टू बी वेरी क्लियर Uh, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये मूव खासा uh, बड़ा नहीं होने वाला है डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ फोर आ टाइम फ्रेम में देखते हैं आप वीडियो करते हैं खत्म फोर आ टाइम फ्रेम में देखोगे तो स्टोकेस्टिक बुलिश है स्टोकेस्टिक अच्छी जगह जा रही है अब हम वेट करेंगे वॉलीटिलिटी का वॉलीटिलिटी अपसाइड हो जाएगी तो वेल एंड गुड और ईएमएस को अगर देखते हैं दोस्त ई एम को अगर देखते हैं तो एट ने थर्टी को तो क्रॉस कर दिया अब एट अगर टू को भी क्रॉस कर देती है तो जबरदस्त तरीके का मजा आने वाला है वन पॉइंट सेवन तक का मैं टारगेट रखूँ मेरी एवरेज बाइंग यही है काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग कर ली थी हमारे ग्रुप में यहाँ पे जब डंप आया था उससे पहले ही मैंने एक एक्सेल शीट बना के पूरी दी थी लेवल्स दी थे उसमें से कुछ ऑर्डर फेल हुए कुछ नहीं हुए ऑप्टिमिज्म के नहीं हुए लोअर टारगेट हमने इसलिए रखा पहले ही एंट्री थी नहीं होती तो हम थोड़ा ऊपर का टारगेट रखते तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नए कॉइंस नई टेक्नोलॉजी और नई इंप्रूवमेंट पर आप ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा कमाओगे बट यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करके चलो आई होप आप काफी अच्छा पैसा कमाओ अपनी क्रिप्टो करेंसी जर्नी में आपको कोई स्कैम ना कर पाए थोड़ा सा ध्यान दोगे थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे सीखने की कोशिश करोगे चीज़ों को तो बहुत अच्छा रहेगा वरना नुकसान खा के सीखोगे तो मिलते हैं दोबारा नई वीडियो नए कंटेंट और नई नई ऑपर्चुनिटीज के साथ ब्लॉग लॉग पर कल की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रंट टेक को जो है मैं कवर करूंगा आपके एंड पे ठीक है इन्फ्लुएंसर्स को उसमें काफ़ी फायदा हो रहा है अगर मैं सिर्फ ऐसे ही कवर कर दूँगा आपके लिए डिफरेंट है बढ़िया अकाउंट बना लो तो मुझे तो फायदा होगा हो सकता है आपको लॉस हो जाए वो मैं नहीं चाहूँगा तो मैं अपना ऑनस्ट रिव्यू कल देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं फाइव माइक्रो कैप ऑल्ट कोइंस की बात करने वाला हूँ जो मुझे लगता है जबरदस्त बड़ा गेन दे सकते हैं अगले बुलरन में और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ तो मिलते हैं दोबारा सी यू अगेन दोस्तों